गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम DBTT के सेमिस्टर 4 के छात्रों के लिए यूनिट 4 का जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने टीचर्स के रोल को समझा था कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक के क्या भूमिका होती है, और आज की कक्षा में उसी की अगली कड़ी है पेरेंट्स का रोल, अर्थात माता पिता जो अभिभावक है समावेशी शिक्षा में उनकी क्या भूमिका होती है। तो समावेशी शिक्षा में जितना महत्वपूर्ण शिक्षक की भूमिका होती है, माता पिता की भी भूमिका और परिवार फैमिली की भी जो भूमिका होती है वो भी अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक का प्रथम विद्यालय घर ही माना जाता है और माता उनकी प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में बालक सबसे पहले जो भी सीखता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, उसका उठने बैठने, बोलने, हंसने, हर सारी जितनी भी उनकी उसकी क्रिया होती है, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो सारी डेवलपमेंट परिवार में ही परिवार के सदस्यों के बीच होती है, और उसमें माता पिता की जो भूमिका होती है वो सबसे अहम होता है। तो केवल माँ बाप की भूमिका घर तक सीमित नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जब बालक बड़ा हो जाता है और विद्यालय जाने लगता है तो विद्यालय जाने के बाद भी माता पिता की जो भूमिका होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में विशेषकर जो विशिष्ट बालक है जिनमें कमियां होती है, शारीरिक मानसिक अक्षमता जो होती है, वैसे बालकों को विशेषकर परिवार का सपोर्ट, माता पिता पेरेंट्स की जो भूमिका होती है वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक विद्यालय, समाज, ये सब भी पूरी तरह से बालक को नहीं अपनाएगा। तो ऐसे में माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, और विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की तरह जीवन जीने में माता पिता की जो भूमिका होती है वो काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा में स्टूडेंट चिल्ड्रेन के डेवलपमेंट में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को ये करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग, समझना। देखिए, माता पिता जो होते हैं या परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, उन सबको अपने बालकों को पहले समझना जरूरी होगा। समझने का यहाँ अर्थ हुआ कि उनको जानना। बच्चों को समझाने से ज्यादा जरूरी है सबसे पहले उनको समझना, क्योंकि जब तक उन्हें हम समझेंगे ही नहीं फिर उनको क्या सलाह देंगे, सही राह कैसे दिखाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि माता पिता, गार्जियन जो पेरेंट्स है और फैमिली के जो अदर्स मेंबर्स है, वे सभी क्या करें, अपने बच्चों को समझें, उनकी कमियों को, उनकी खूबियों को, उनके इमोशन को, उनकी जरूरत को, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक उनको बेहतर मार्गदर्शन, उनको सहयोग नहीं कर पाएंगे। और विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं जिनमें कमियों की वजह से कई तरह की हीनता विकसित हो जाती है, वे अपने आप को कटे कटे अलग और अन्य बच्चों से काट कर रखते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए विशेषकर पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को कहते हैं ना फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, दोस्त
दोस्ती करनी चाहिए। जब तक हम बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे नहीं, उनकी बातों को जब तक हम क्या कहते हैं वैल्यू नहीं देंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक उसे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, कि उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को समझना होगा। अब बात करते हैं दूसरा, सपोर्टिंग, सहयोग करना। बच्चों को समझना, समझकर उनकी समस्या को, उनकी जरूरतों को, उनकी रुचि उनका जो अभी रुचि है, उनका जैसा एटीट्यूड है, उन सबको जब तक नहीं समझेंगे और समझकर आवश्यकता अनुसार सही सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम बालक के बेहतर नहीं बना सकते। विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनकी जो कमियां होती है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो वैसे बच्चों को लेकर माँ बाप को सपोर्ट करना, उनको पैरों पर खड़ा होने में सहयोग करना, उनकी कमी को दूर करने के लिए उनकी जो आवश्यकता है वो बनना बहुत जरूरी है। तो जब तक गार्जियंस, फैमिली स्टूडेंट को, बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो बच्चा समाजीकरण, एडजस्टमेंट, ये सब नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। तीसरा, इनकरेजिंग, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। बच्चों को, गार्जियन को क्या चाहिए कि जो उनकी रुचि है, जो उनकी इच्छा है, जो वो कोर्स करना चाहते हैं, जिस तरह की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी अभिलाषा, उनकी जरूरतों के अनुसार जो उनमें इंटरेस्ट है, उसको इनकरेज करके उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं या सामान्य बालक होते हैं, वे इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग होते हैं, और उन सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, रुचि होती है, और उसको समझते हुए उसको सही दिशा में क्या करना, इनकरेज करना, ये भी पेरेंट्स का एक महत्वपूर्ण काम है। यदि किसी बच्चे को खेलकूद में इंटरेस्ट है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसके लिए इनकरेज करें। किसी बच्चे को लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो लिटरेचर, इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग, यानी कोई भी फील्ड हो सकता है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, जो बच्चा करना चाहता है, हैंडवर्क करना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, इन सब के माध्यम से यदि गार्जियन इंटरेस्ट दिखाएंगे, विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं, तो वो क्या होगा, वो भी अपने आप को सामान्य महसूस करेंगे। उनके अंदर की जो हीनता है, जो अक्षमता है, उसको वो धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, वो सब खत्म होते जाएगा, और वो भी सामान्य बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल सकेंगे। तो ऐसे समय में पेरेंट्स को चाहिए कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, उनको बेहतर राह दिखाए। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर्स, एज ए फैसिलिटेटर्स, गार्जियंस क्या हो सकते हैं, बच्चों के लिए सुविधाकर्ता हो सकते हैं, वे आवश्यकता अनुसार बच्चों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनको सहयोग करना, ये भी गार्जियंस का काम ही है। विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है, उनके शिक्षा में जो जरूरत है, जिस तरह की सुविधा चाहिए, किसी तरह का फिजिकल असेसमेंट या फिर फिजिकल डिवाइस या फिर मेंटल, हर तरह का सपोर्ट, हर तरह की सुविधा गार्जियंस को मुहैया करवानी चाहिए, तभी जाकर बच्चा अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा, वो एक बेहतर इंसान बन पाएगा और समाज में सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर पाएगा। पांचवा है अवेयर, जागरूक होना। पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति अवेयर होना चाहिए, उनकी कमियों को जानना चाहिए, उनकी खूबियों को जानना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के प्रति उन्हें जागरूक होना चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार गार्जियन क्या करे, उनको हर तरह का सपोर्ट दे सके, सुविधा दे सके, सहयोग दे सके, और वो अपने बच्चों को बेहतर
इंसान बना सके। तो इसके लिए चाहिए कि गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट है लविंग, स्नेह करना, प्यार करना। माँ बाप और परिवार का ये भी कार्य है कि अपने बच्चों को स्नेह दे, विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको लगता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करेगा, वो समाज के बेकार अंग है, समाज में उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं, मुख्य धारा से हट जाते हैं। तो वैसे बच्चों को विशेषकर स्नेह और प्रेम की विशेष जरूरत है, क्योंकि जितना बच्चों को स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, उसके अंदर की जो कुंठा है, जो अक्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसको भी लगेगा कि नहीं, मैं भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, मुझे भी सभी प्यार करते हैं। तो बच्चों को लविंग और साथ ही साथ केयरिंग, देखभाल, सही देखभाल की भी जरूरत होती है। और समावेशी शिक्षा में जब हम सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को जोड़ते हैं, तो ऐसे समय में विशिष्ट बालकों को विशेष ध्यान, विशेष केयर और इस विशेष प्यार की जरूरत होती है, जिससे वे भी क्या होंगे, सामान्य बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल पाएंगे। नेक्स्ट है काइंड, दयालु होना। पेरेंट्स को दयालु भी होना होगा, अपने बच्चों को प्रति दया भाव रखना होगा, उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, अपनी बच्चों में जो कमियां हैं उसको उन्हें एक्सेप्ट करते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी होगी, हर तरह से सपोर्ट करना होगा, उनको बेहतरी के लिए क्या करेंगे, प्रयासरत होना होगा। इसके लिए भी क्या होना पड़ेगा, गार्जियन को काइंड बनना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट, हैव पेशेंस, यानी धैर्य रखना। गार्जियन को पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि बिना धैर्य रखे वे अपने बच्चों को बेहतर नहीं कर पाएंगे, विशेषकर जो विशिष्ट बालक होते हैं, वे हर चीज बहुत लेट से करते हैं, सीखने की प्रक्रिया हो, चीजों को ग्रहण करने की प्रक्रिया हो, क्योंकि उनमें कमियां होती है, उनका IQ लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है, या शारीरिक रूप से शारीरिक दोष, मानसिक दोष की वजह से वे क्या होते हैं, सामान्य बालकों की अपेक्षा हर कार्य धीरे धीरे और लेट से करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में गार्जियन को चाहिए कि धैर्य रखे, अपने बच्चों को सपोर्ट करे, सही दिशा निर्देश करे और बच्चों के बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, तभी जाकर विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, वो क्या कर सकता है, बेहतर इंसान बन सकता है, उसका समाजीकरण हो सकता है, वो भी समाज का, देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। तो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा विद्यालय में 6 से 8 घंटे रहता है, लेकिन बाकी समय वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के बीच में ही रहता है, और वहाँ जितना बेहतर पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाएगा, बच्चों का केयर किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको बेहतर दिशा निर्देशन किया जाएगा, तभी वो बच्चा एक बेहतर इंसान बन पाएगा। तो ये रहा पेरेंट्स की भूमिका। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये यूनिट 4 का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, और इसको अच्छी तरह से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।